Welcome my dear students, this is lecture number 2 of chapter 12 atom और class 12 की ये class 12 का ये 12th chapter है और इसमें atom के बारे में हम पढ़ रहे हैं और previous lecture में मैंने आपको बताया कि Dalton की theory के बाद बहुत सारे physicists थे जिन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम बताने की कोशिश करी। थॉमसन ने सबसे पहला ट्राई किया, बहुत जल्दी फेल हो गया। वाटरमेलन का जो उसने मॉडल बताया था, प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं उसे, फेल हो गया। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, उसने बताया कि बीचों बीच छोटी सी जगह में सारा पॉजिटिव चार्ज और ज्यादातर मास रखा हुआ है और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड हैं तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करेगा और डिक्रीजिंग ऑर्बिट्स में घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाएगा। स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया कौन, रदरफोर्ड। लेकिन मॉडल यही होता है, आज भी हम यही मॉडल पढ़ते हैं कि ऐसा एक एटम होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सेंटर पर है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो उसी मॉडल को अगर था तो क्यों रदरफोर्ड गलत हो गया? रदरफोर्ड ऐसा क्या नहीं बता पाया, क्यों इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिरेंगे न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ऑर्बिट्स कौन से ऑर्बिट्स होंगे, ये बात आगे चलकर किसने बताई है? नील बोर ने बताई है और इसलिए इसे नील बोर क्वांटाइजेशन कंडीशंस कहा जाता है। तो इसे नील बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन के नाम से जाना जाता है, नील बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो नील बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है ये इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है नील बोर, ये कहकर एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करेगा तो वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई आर। फॉर एग्जांपल ये कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड जब इन ऑर्बिट्स में जब इस तरह के ऑर्बिट्स की बात करी जाए तो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना चाहता है, तो ये कौन सा ऑर्बिट हो सकता है, पहला ऑर्बिट कौन सा है? भाई एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का रेडियस कुछ आर है तो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन इसमें एक राउंड कंप्लीट करने में। और नील बोर कहता है ये डिस्टेंस जो है वो एक लैम्ब्डा का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब एक लैम्ब्डा के इक्वल होना चाहिए, और वो लैम्ब्डा क्या है, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ है। नील बोर ने इस बात का यूज किया है कि इससे पिछले चैप्टर में ड्यूल नेचर में डी ब्रोगली ने कहा है कि पार्टिकल्स का भी वेव नेचर होगा, जब पार्टिकल्स कुछ मोमेंटम से मूव करते हैं तो उनकी उनका एक वेव नेचर होगा, एक वेव एसोसिएटेड उनके साथ, उस वेव की वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती है, एच बाई पी के इक्वल होती है। तो इस ऑर्बिट में ये एक ऑर्बिट है, कोई मान लीजिए पहला ऑर्बिट है जो न्यूक्लियस के बाहर, ये वो पहला ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। ये ऑर्बिट ऐसा ऑर्बिट होगा जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल करते करते इलेक्ट्रॉन को एक वेव बनानी पड़ेगी, इस ऑर्बिट में ट्रेवल करने के लिए एक बार क्रेस्ट बनाना पड़ेगा और एक बार ट्रफ बनाना पड़ेगा। इस सर्कल को पूरा करने में जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वेव की फॉर्म में होगा, वेव नेचर होगा, और इस 2 पाई आर डिस्टेंस को कवर करने में एक लैम्ब्डा कम से कम बनानी होगी इलेक्ट्रॉन को, तो जो 2 पाई आर डिस्टेंस है वो लैम्ब्डा के इक्वल हो गया। इसके बाद एक ऐसा ऑर्बिट हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएगा,
जिस ऑर्बिट को बनाने के लिए, जिस ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, इस ऑर्बिट को पूरा करने के लिए कम से कम दो वेव का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। डिस्टेंस बढ़ गया है तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, और डबल कर दी गई है वेवलेंथ, यानी 2 लैम्बडा के इक्वल होगा इसका 2 पाई आर। तीसरे की बात करूं तो 3 लैम्बडा के इक्वल 4 लैम्बडा के इक्वल 5 लैम्बडा के इक्वल 2 पाई आर। 2 पाई आर जो डिस्टेंस है एक ऑर्बिट में पूरा घूमने के लिए, एक ऑर्बिट में पूरा घूमकर आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ता है, 2 पाई आर। और वो डिस्टेंस लैम्बडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि हर पार्टिकल के साथ एक डी ब्रोगली वेवलेंथ है, वेव नेचर है उसका। पहला ऑर्बिट वो हो सकता है जिसको पूरा करने के लिए 1 लैम्बडा के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर कि एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसका वेव नेचर है, क्योंकि वो मोशन में है तो एक वेव एसोसिएटेड है, उस वेव को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है। 2 पाई आर के डिस्टेंस को पूरा करने के लिए एक वेव कम से कम पूरी बनानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। इसके बाद अगला ऑर्बिट जो होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, उसमें डिस्टेंस और ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उस डिस्टेंस को 2 लैम्बडा के डिस्टेंस के इक्वल रख दीजिए। तीसरा ऑर्बिट वो होगा जिसमें 3 लैम्बडा के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, यानी रदरफोर्ड की तरह कोई भी ऑर्बिट हो जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस को मैंने क्वांटाइज्ड कर दिया है, मैंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्क्रीट कर दिया है। इलेक्ट्रॉन या तो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, या इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्लोर पे चला जाएगा, या सेकंड फ्लोर पे चला जाएगा, थर्ड फ्लोर पे चला जाएगा, मल्टीपल करते जाइए। पहले फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच में कोई ऐसी सीट नहीं बना रखी है जहां इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है, यानी एक ऑर्बिट ऐसा हो गया जिसकी लेंथ लैम्बडा के इक्वल है, दूसरा ऑर्बिट ऐसा हो गया जिसकी सर्कमफ्रेंस 2 लैम्बडा के इक्वल है, और इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में कोई पोजीशन इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी ऑर्बिट में नहीं रह सकता है। या तो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में हो सकता है जिसमें डिस्टेंस लैम्बडा के इक्वल है, जिसमें दूसरे ऑर्बिट में जाएगा जहां 2 लैम्बडा के इक्वल डिस्टेंस होगा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा। इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है बिना एनर्जी रेडिएट करे, वो ऑर्बिट्स मैंने डिस्क्रीट कर दिए हैं, क्वांटाइज्ड कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, अपनी मर्जी से किसी भी ऑर्बिट में घूम सके, ऐसा नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है जिसमें लैम्बडा का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जा सकता है जिसमें 2 लैम्बडा का डिस्टेंस हो जाए, या उस ऑर्बिट में जा सकता है जिसमें 3 लैम्बडा कवर करना पड़े। इनके बीच में जो अनगिनत पोजीशंस हैं वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। तो इस ऑर्बिट में 1 लैम्बडा का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, अगले ऑर्बिट में कम से कम 2 लैम्बडा, तो पहले और दूसरे ऑर्बिट के बीच में और कोई ऑर्बिट ऐसा पॉसिबल नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सके बिना एनर्जी को रेडिएट करे। तो नील बोर की बात को समझिए, मेरी बात को समझिए सबसे पहले, कि नील बोर ने ये कंडीशन डाल दी है कि जो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एक सर्कुलर ऑर्बिट घूमने में, वो लैम्बडा का इंटीग्रल मल्टीपल लिखा जाएगा। और बाय डी ब्रोगली की बात करूं तो डी ब्रोगली कहता है ये लैम्बडा जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, ये एच अपॉन में पी मोमेंटम या एच अपॉन में एम बी लिखी जा सकती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ये वैल्यू यहां ले जाकर पुट करिए, 2 पाई आर इज इक्वल टू बराबर लैम्बडा की जगह एच अपॉन एम वी रख दीजिए, और
मास इनटू वेलोसिटी को ऊपर लाइए, इनटू में रेडियस को यही रखिए, 2 पाई को डिवाइड में लाइए, तो एम वी आर एन एच अपॉन में 2 पाई लिखा गया। भाई एम वी आर आपने चैप्टर पढ़ा है 11वीं क्लास का और आपको पता है एम वी आर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है। एम वी आर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है जो ये कहता है आपको, जो ये कहता है आपको कि भाई इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन का मास कुछ फिक्स है, कांस्टेंट है, वी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है, आर रेडियस है उस ऑर्बिट का जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। तो एम मास का इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से आर रेडियस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व अगर कर रहा है तो उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर एन टाइम्स यानी इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, एच अपॉन में 2 पाई का। यानी सबसे पहला ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है वो एक ऐसा ऑर्बिट होगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा, एक ऐसा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर एच अपॉन 2 पाई के इक्वल है, ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और ये ऑर्बिट उसका स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगा। इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन दूसरी पोजीशन इलेक्ट्रॉन की कौन सी पॉसिबल है, इस ऑर्बिट के बाद इलेक्ट्रॉन एक ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई का डबल हो जाए। तो ये पहला ऑर्बिट ऐसा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई के इक्वल है। इसके बाद फिर ऐसा ऑर्बिट होगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम 2h अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। अगला ऑर्बिट वो ऑर्बिट होगा जिसमें 3h अपॉन में 2 पाई होगा, 4h अपॉन में 2 पाई होगा, 5h अपॉन में 2 पाई होगा, 6h अपॉन में 2 पाई होगा। h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल करते जाइए। ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जब करेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा और ऐसे ऑर्बिट्स क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहलाते हैं। नील बोर ने रदरफोर्ड के ही मॉडल को एस्टेब्लिश करने के लिए एक बात कह दी है और बहुत महान साइंटिस्ट बन गया है ये बात कहकर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं लेकिन उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल चलेगा। इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हुए एनर्जी रेडिएट नहीं करता इलेक्ट्रॉन, इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है। जब कभी एनर्जी लेगा एक इलेक्ट्रॉन, कोई फोटोन आएगा और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर बड़े ऑर्बिट में जाना चाहेगा, ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाना चाहेगा, हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को लूज कर देता है फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर लोअर ऑर्बिट में आ जाता है। तो इस तरह से ट्रांजिशन करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता था तो फिर तो एनर्जी रेडिएट करते 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 गिर जाता था। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है एच अपॉन 2 पाई का। और इस तरह से लिख दीजिए नील बोर क्वांटाइजेशन को कि according to Bohr's quantization condition, electrons revolve in those orbits
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इन विच इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई और h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है ऐसा पिछले चैप्टर से जानते हैं ड्यूल नेचर से जानते हैं। तो नील बोर ने रदरफोर्ड के ही मॉडल को एस्टेब्लिश कर दिया है। अगर मुझसे अब कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन का मॉडल कैसा होता है एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो एक सॉरी एक एटम कैसा होता है एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा है तो नील बोर ने जो रदरफोर्ड की बातें हैं उसमें अपनी एक कंडीशन जोड़ दी है बस बाकी सब कुछ सेम है। पहला पॉइंट नील बोर में ये है कि मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन एट सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। सेम बात रदरफोर्ड वाली। दूसरी बात में कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। दूसरा तीसरा पॉइंट ये आता है नील बोर में कि व्हाइल रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स ये जो h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल वाले ऑर्बिट हैं इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। व्हाइल रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी एंड कंटीन्यूअसली रिवॉल्व्स इन द ऑर्बिट्स। और चौथा पॉइंट ये लिखा जाए कि अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है तो एनर्जी गेन करेगा अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा और जो ट्रांजिशन जब ये करेगा व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिस्टर फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट और वाइस वर्सा इट लूज और गेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन और उस फोटोन की एनर्जी एच न्यू है हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस। तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी किस फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी किस वेवलेंथ की लाइट होगी ये सब बताया जा सकता है HCY लैम्ब्डा यूज कर लीजिए फ्रीक्वेंसी की बजाय अगर वेवलेंथ बतानी हो तो और E2 - E1। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी गेन करी होगी या एनर्जी लूज करी होगी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स एच न्यू एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा या एच न्यू एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर ऑर्बिट से हायर में जाएगा अगर लूज करेगा फोटोन को तो एनर्जी लूज करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप किया है इस बात पर डिपेंड करता है कि फोटोन की एनर्जी क्या होगी और इसी बात पर डिपेंड करता है कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और इसीलिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकलती है जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं क्यों क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग है और किस ऑर्बिट से किस में जंप किया है उसने इस पर डिपेंड करता है कि किस फ्रीक्वेंसी की लाइट रिलीज करेगा और ये स्पेक्ट्रम मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा। तो नील बोर ने एटम के मॉडल को स्टेबलाइज कर दिया है एक एटम कैसा होता है ये बात हमने जान ली है स्टेबलिश हो गया है। डेरिवेशंस की बात करते हैं नील बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं रेडियस का एक्सप्रेशन डेराइव करना चाहूंगा स्पेशली हाइड्रोजन के लिए हालांकि मैं जनरल डेरिवेशन कराऊंगा। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है जेड की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन के रिजल्ट्स लास्ट में लाए जा सकते हैं
फिलहाल आपसे ये कहा जाएगा कि आप ये बात प्रूव कर दीजिए कि जो रेडियस होती है, पहला ऑर्बिट होगा उसका कुछ रेडियस है, उसके बाद दूसरा ऑर्बिट होगा उसका भी कुछ रेडियस होगा, बढ़ गया होगा, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 बढ़ती जा रही है इस तरह से, और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रेडियस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि रेडियस जो है 1:4:9:16:25:, यानी इवन नंबर्स सॉरी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की रेशियो में शो करना है, डिराइव करेंगे। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, इस पर पहले ही इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में डेरिवेशन पूछा जा सकता है। और इसमें हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के लिए ये पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है, हालांकि एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हैं जो दूसरे आयंस के लिए पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं जनरल डेरिवेशन कराऊंगा ताकि उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकें। रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, किसी ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, पहला ऑर्बिट कितने रेडियस का होगा, दूसरा ऑर्बिट कितने रेडियस का होगा, तीसरा, चौथा, ये बात हमें जाननी है। सबसे पहले मैंने कंसीडर किया एक न्यूक्लियस कंसीडर किया जाए, और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जेड ई चार्ज है, तो मैंने मान लिया जेड एटॉमिक नंबर है और ई चार्ज है एक प्रोटॉन का, तो न्यूक्लियस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, जेड ई है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, एटॉमिक नंबर जेड वन है, एक ही प्रोटॉन है हाइड्रोजन के पास, प्लस ई चार्ज है न्यूक्लियस के पास, लेकिन जनरल कंडीशन से ड्राइव करते हैं अभी। और ये वो ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन के ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस आर है, तो रेडियस आर है, तो इस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो स्मॉल आर रेडियस है इसका, और इस आर रेडियस के ऑर्बिट में एम मास का एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ, और वेलोसिटी इस ऑर्बिट में वी है। ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो रेडियस बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी, एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा, और बहुत सारी चीजों में बदलाव आ जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूमता है, तो इस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड होकर दूसरे ऑर्बिट में चला जाए तो वहां इसकी एनर्जी कितनी होगी, रेडियस कितना होगा, तीसरे में, चौथे में, ये सब जान सकते हैं भाई हम। सबसे पहले लिखिए कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m revolving in a circular orbit of radius small r around the nucleus of hydrogen atom। तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस ने कितना फोर्स लगाया है, अगर ये हाइड्रोजन एटम है, फॉर्मूला वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का k q1 q2 / r2।
कूलम्स लॉ लगाया अभी मैंने पहले चैप्टर से दो चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला KQ1Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है और वही न्यूक्लियस हाइड्रोजन है तो न्यूक्लियस पर ई होगा बट फिलहाल जेड ई लिख लेते हैं हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 है तो एक प्रोटॉन ही तो है इसके न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के लेकिन फिलहाल जनरल डेरिवेशन कोई भी न्यूक्लियस होता तो जेड ई इसका न्यूक्लियस का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका चार्ज ई है रेडियस आर का स्क्वायर में तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है के इनटू में जेड ई का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस पर और नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स भाई इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है कितना सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए वेलोसिटी इसकी वी है मास एम है रेडियस आर है तो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कम से कम कितना सेंट्रीपेटल फोर्स लगना चाहिए सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए भाई एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर होता है इक्वेट कर दीजिए दोनों को एम वी स्क्वायर बाई आर इतना सेंट्रीपेटल फोर्स लगना चाहिए बराबर है के इनटू में जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एक आर रेडियस से एक आर रेडियस कटने पर कैंसिल हो जाने पर यहाँ आर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ एक आर डिनोमिनेटर में बचेगा उस आर को ऊपर ले आइए और वैसे पहले ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख लीजिए आप कि जो एम वी स्क्वायर है एम वी का स्क्वायर बराबर आ गया एक आर से एक आर कटने के बाद के इनटू में जेड ई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर एम वी स्क्वायर और इज इक्वल टू के इनटू में जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है इसे ऐसे लिखने के बाद रेडियस का एक्सप्रेशन निकालिए यहाँ से आर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है के इनटू में जेड ई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एम वी का स्क्वायर ये इक्वेशन नंबर 1 रही रेडियस का ये एक्सप्रेशन है बट मैं इसे और सिंपलीफाई करना चाहता हूँ तो आप क्या करिए बाई बोर्स कंडीशन नील बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाइए और वो कहती है एम वी आर एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन में 2π के इक्वल होना चाहिए अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस ऑर्बिट में तो यहाँ से R की वैल्यू एन एच अपॉन में 2π और मास और वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आएंगे ये R का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है R की ये वैल्यू और R की ये फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू इक्वेट कर दीजिए दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे यहाँ पर तो दोनों को इक्वेट करने पर मुझे वेलोसिटी मिलेगी तो NH अपॉन में 2π mv रेडियस की इस वैल्यू को और ये पहले जो रेडियस की वैल्यू आई है इन दोनों को इक्वेट करने पर यहाँ पर मास से मास कैंसिल होगा एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी NH अपॉन में 2π इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एक v बचेगा और यहाँ से v का एक्सप्रेशन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है 2π के इनटू में जेड ई का स्क्वायर और अपॉन में NH एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी ऑर्बिट में कितनी होगी ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है इसका हम यूज करेंगे आगे चलकर बट फिलहाल इस वेलोसिटी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पुट कर रेडियस का एक्सप्रेशन जानना है तो रेडियस का एक्सप्रेशन जानना है हमें इसके बाद इसे लिखिए पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर रेडियस इज इक्वल टू बराबर है
k इनटू में z e का स्क्वायर और अपॉन में m यहां पर मास है और v वेलोसिटी का स्क्वायर करिए, ये वेलोसिटी की वैल्यू रखूंगा मैं, तो ये 2 है, पाई है, k है, z है, e का स्क्वायर है और डिवाइड में n h है और इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, रेडियस इज इक्वल टू बराबर भाई ये n का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर होने पर, और ये ऊपर जाएगी ये टर्म, n स्क्वायर और h स्क्वायर ऊपर पहुंच गए और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे k का स्क्वायर आएगा, ऊपर वाले k से k कटेगा, मास यहां पहले से ही है, k का स्क्वायर होगा, ऊपर वाले k से कटने के बाद एक k बचेगा, z स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाले z से कटने के बाद एक z बचेगा, e के स्क्वायर का स्क्वायर e की 4 हो जाएगी और ऊपर 2 से कटने के बाद 2 बचेंगे। ये रेडियस के एक्सप्रेशन है, ये रेडियस का एक फार्मूला आ गया है, किसी भी ऑर्बिट में किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा ये उसका एक एक्सप्रेशन बन गया है और वो इंपॉर्टेंट बात हमने प्रूव कर दी है, वो एक इंपॉर्टेंट बात हमने प्रूव कर दी है क्या कि इसके अंदर देखा जाए अगर ध्यान से तो h यहां प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k की वैल्यू फर्स्ट चैप्टर वाली 9 10 9 कांस्टेंट है, z की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन के लिए और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, तो रेडियस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। n यहां पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, पहले ऑर्बिट का रेडियस कुछ होगा, दूसरे ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 पुट करूंगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, n की वैल्यू 2 पुट करने पर 4 टाइम्स होगा, तीसरे ऑर्बिट में 9 टाइम्स होगा, 16 टाइम्स होगा, n स्क्वायर टाइम्स होगा, तो जो ऑर्बिट्स होंगे वो नेचुरल नंबर की स्क्वायर की रेशियो में होंगे, पहले ऑर्बिट का कुछ रेडियस होगा और दूसरे ऑर्बिट का 4 टाइम्स होगा, तीसरे का 9 टाइम्स होगा, चौथे का 16 टाइम्स होगा और 4 हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन बात करी जाए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं, हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होती है, तो भाई पहले ऑर्बिट का रेडियस n की वैल्यू 1 पुट कर दूं अगर, तो पहले ऑर्बिट का जो रेडियस आया है n की वैल्यू 1 हो जाएगी, h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m के, z की वैल्यू 1 हो गई और e का स्क्वायर, ये सब r नॉट के इक्वल नाम दिया गया, मतलब ध्यान से देखिएगा डेरिवेशन करते वक्त r का ये एक्सप्रेशन आया, n स्क्वायर के अलावा सारी चीजें यहां कांस्टेंट है, रेडियस n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब रेडियस 1:4:9 में होगा, r n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहले ऑर्बिट का कुछ रेडियस होगा, दूसरे का 4 टाइम्स होगा, तीसरे का 9 टाइम्स होगा, क्योंकि n की वैल्यू ही तो बदल रही है अलग-अलग ऑर्बिट के लिए, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, और इन सारी कांस्टेंट चीजों की वैल्यू पुट कर दूं तो ये सारी कांस्टेंट टर्म्स थी h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, तो ये एक नया कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट का नाम r नोट रखा है मैंने और ये हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस है, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट कर दी है यहां पर और ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, पुट करने के बाद 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम है, मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -10 लगाया जा सकता है, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम है, दूसरे ऑर्बिट का कितना होगा 4 टाइम्स कर दीजिए, तीसरे ऑर्बिट का कितना होगा 9 टाइम्स कर दीजिए, मतलब हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस n स्क्वायर टाइम्स है r नॉट के, तो ये रेडियस का एक्सप्रेशन है, किसी भी ऑर्बिट में रेडियस की क्या वैल्यू होगी हम बता सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए भी बाकी सबके लिए भी।
हाइड्रोजन के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉम आई है पहले ऑर्बिट की वैल्यू, किसी और की बात करनी होगी तो जेड की वैल्यू बदल जाएगी, ये कांस्टेंट कुछ और होगा, लेकिन सभी के ऑर्बिट्स 1:4:9:16 इस रेशियो में होते हैं, ये श्योरिटी हो गई है। रेडियस का एक एक्सप्रेशन आया है हमारे सामने और n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला था, इन सभी कांस्टेंट्स को r नोट लिख दिया तो r इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स r नोट लिखा जा सकता है। किसी भी ऑर्बिट का रेडियस पूछा जाए अगर अब हमसे तो हमारे पास फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्म में फॉर्मूला है, n स्क्वायर टाइम्स r नोट है, r नोट यहां एक कांस्टेंट है जो कि 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है, और ऐसे ही किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बता सकते हैं हम, और किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बतानी है हमें, ये डेरिवेशंस भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी, भाई सिंपल सी बात ये है, मैं वेलोसिटी को, एनर्जी को, रेडियस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं कि आपको ऑर्बिट, किस ऑर्बिट का रेडियस देखना है, किस ऑर्बिट की वेलोसिटी देखनी है और किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में पता करना है, एन की वैल्यू पुट करने पर डायरेक्ट आंसर आए, पहले ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, 4, ऐसे ऑर्बिट का नंबर पुट करने पर रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के एक्सप्रेशंस आ जाए, ऐसे फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला ऐसा बना लिया मैंने कि नंबर ऑर्बिट कौन सा है जिसका रेडियस जानना है, वो n की वैल्यू पुट करने पर रेडियस आ जाएगा। ऐसे ही किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जानना है, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी, सॉरी वेलोसिटी कितनी होगी। अभी जो रेडियस का डेरिवेशन किया है उसी डेरिवेशन को करते करते बीच में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था, 2 पाई के जेड ई का स्क्वायर और अपॉन में एनएच, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है, इसमें हमें बहुत सारी टर्म्स पुट करनी पड़ रही है या ये भी कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स में है, लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दिया जाए, एन को अलग से ले लिया, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दूं, अब ये सारे कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू है वो 137 बनेगी और साथ में n होगा, तो अब ये ज़्यादा सिंपल हो गया है। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, n की वैल्यू 1 पुट करिए, c/137 होगी, दूसरे ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, क्योंकि n तो इन सभी एक्सप्रेशंस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1, 2, 3, 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, तो यहां पर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 किस ऑर्बिट की बात करनी है वो पुट करते जाइए। तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है छोटा सा, बहुत कम यूज में आएगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे आपसे जिसमें वेलोसिटी पूछी जाए, आपसे न्यूमेरिकल्स में रेडियस पूछा जाएगा और एनर्जी पूछी जाएगी कि इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में है भाई, उसकी एनर्जी बताइए कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी बताने के लिए ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया जा रहा है, इस डेरिवेशन को लिखिएगा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इस तरह का डेरिवेशन हम 11th क्लास के ग्रेविटेशन चैप्टर में भी करते थे सैटेलाइट की एनर्जी के बारे में। पहली बात, अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी सर्कल में तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसे चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है
mv² / r, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल लिखा जा सकता है, kze, न्यूक्लियस ze है और ये e है और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है kq1q2 / r², और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² / r। ये फॉर्मूला इसलिए लगाया ताकि mv स्क्वायर की वैल्यू यहां k इनटू में ze का स्क्वायर अपॉन में r के इक्वल लिख सकूं, और इसीलिए लिखा इसको मैंने ताकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात कर सकूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी का स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर की वैल्यू मैंने के की जेड की ई की टर्म्स में फाइंड आउट करी है, तो के इंटू में जेड ई का स्क्वायर और अपॉन में 2r, ये इक्वेशन नंबर 1 रही क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में kq1q2 / r, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k, न्यूक्लियस पर चार्ज ze है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का e है, रेडियस r है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के ze का स्क्वायर अपॉन में r होती है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करी है इलेक्ट्रॉन की, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करी है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करी है इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वेलोसिटी स्पीड के कारण काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, इसका एक्सप्रेशन ये आया। पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, उसका एक्सप्रेशन ये आया है टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी? ई से डिनोट कर दिया गया है, बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, सम कर दीजिए काइनेटिक और पोटेंशियल का। काइनेटिक एनर्जी के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r है। इन दोनों में से k को कॉमन ले लूं, जेड को कॉमन ले लूं, ई स्क्वायर को कॉमन ले लूं, r को, यहां से 1/2 बचेगा k इनटू में जेड ई स्क्वायर अपॉन में r कॉमन लेने पर 1/2 - 1 बचेगा, यानी -1/2 बचेगा। ये एनर्जी आ गई है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, लेकिन ये रेडियस की टर्म्स में है, मैं इसे और आसान कर दूंगा आपके लिए, लेकिन उससे पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने में काम आएगी आपके। ये एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये एक्सप्रेशन यहाँ साइड में लिख लीजिएगा, ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे करने में काम आएगा, ये किस तरह के क्वेश्चंस करने के काम आएगा। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन r, और टोटल एनर्जी है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। और आप इस रिलेशन को देखकर बखूबी ये जान सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है। काइनेटिक एनर्जी किसी ऑर्बिट में उतनी ही होगी जितनी टोटल एनर्जी होगी, साइन चेंज कर दीजिए बस भाई, टोटल एनर्जी में माइनस का साइन है, काइनेटिक एनर्जी में यहाँ माइनस का साइन नहीं है। अगर टोटल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है किसी ऑर्बिट में अगर 10 जूल है, -10 जूल है, तो +10 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी है उस ऑर्बिट में। और पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में माइनस है, टोटल एनर्जी में भी माइनस है,
बट अगर टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब वो इसके इक्वल बनेगी, क्योंकि यहां नीचे 2 नहीं है, यहां 2 है। पोटेंशियल एनर्जी साइन में तो टोटल एनर्जी के बराबर है मगर मैग्नीट्यूड में डबल है। भाई एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये आई है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई है क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन को शो कर रही है इनके बीच में, मैं बहुत बखूबी बता चुका हूं दूसरे चैप्टर में आपको। नेगेटिव साइन शो कर रहा है अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी इतनी आई, काइनेटिक एनर्जी इतनी आई, सम करने पर टोटल एनर्जी इतनी आ गई है एक इलेक्ट्रॉन की। ये बाइंडिंग एनर्जी भी कहलाएगी एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इतनी एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में, यानी इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अगर दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा ऑर्बिट को छोड़कर। बात करेंगे हम इसके बारे में, बट फिलहाल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। लेकिन हम इतने सारे फॉर्मूले याद थोड़ी करेंगे, ये तो डेरिवेशन कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, पोटेंशियल का याद करो, टोटल का याद करो ना, डेरिवेशन कर लीजिए। और डेरिवेशन के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ले आइए। किस तरह की होगी सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर, कि किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ई एन लिखिए, एन का मतलब किसी भी ऑर्बिट की, किस ऑर्बिट की देखनी है। माइनस का के है, जेड है, ई का स्क्वायर है, डिवाइड बाय 2 है। किसी भी ऑर्बिट में रेडियस की क्या वैल्यू होगी, किसी ऑर्बिट में रेडियस की वैल्यू क्या होती है, मैंने रेडियस का डेरिवेशन किया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर, ये रेडियस का एक्सप्रेशन आया है। अभी थोड़ी देर पहले तो डिराइव किया है, पहले ऑर्बिट के लिए आर रेडियस कितना होगा, एन की वैल्यू 1 2 3 ऐसे चलिए। किसी भी ऑर्बिट का रेडियस का एक्सप्रेशन ये होता है, और किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इतनी होती है, तो एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव होने जा रहा है, ये माइनस साइन रहेगा, ये जो 2 है इस 4 को 2 पे काटेगा, ये 2 फिर ऊपर जाएगा, तो माइनस का 2 होगा, पाई का स्क्वायर ऊपर चला गया, एम ऊपर चला गया, ये के ऊपर जाएगा, पहले से ही एक के है, के का स्क्वायर होगा, जेड ऊपर जाएगा, पहले से एक जेड है, जेड स्क्वायर होगा, ई स्क्वायर ऊपर जाएगा, पहले से ई स्क्वायर है, ई की 4 बनेगी ऊपर, और डिनोमिनेटर में एन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर बचेगा, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ये किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। आप कहेंगे सर ये तो और भी बड़ा बना दिया आपने, लेकिन किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, माइनस था एन स्क्वायर को छोड़ दीजिए बस, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, के कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, यहां पर सब की वैल्यू सॉल्व कर दी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर दी, जूल में आएगी इस फॉर्मूले से, पर मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर दिया इसको, और डिवाइड में एक एन स्क्वायर बच गया बस यहाँ पर। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता करनी है, जेड की वैल्यू 1 पुट कर दी, हाइड्रोजन के लिए बात करूंगा, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। पहले ऑर्बिट की एनर्जी पता करनी है तो एन की वैल्यू 1 है, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी पता करनी है तो एन की वैल्यू 2 है, तीसरे ऑर्बिट, चौथे ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी जानी जा सकती है। हाइड्रोजन के लिए याद कर लेता हूं ताकि न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे से कर सकूं। फॉर हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला बन गया है, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी बराबर है -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का पहला हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, उस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले ऑर्बिट में एन की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने,
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये पहला ऑर्बिट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट कहलाती है। एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में ही घूमेगा, इसलिए वो पहला ऑर्बिट हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट कहलाती है। ये एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर थोड़ा ऊपर वाले ऑर्बिट में अगर चला जाए, तो दूसरे ऑर्बिट में चला जाए अगर मान लो, तो वहां पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और इस फॉर्मूले को सॉल्व करूंगा n 2 की वैल्यू 2 या 4 हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगी दूसरे ऑर्बिट में। एक्साइटेड होकर गया है इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। अक्सर ध्यान दीजिए मेरी बात पर, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, और वो पहला ऑर्बिट क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है, घर कहलाता है उसका। एनर्जी मिलती है, कैश मिलता है, ऐश करने जाता है, तो ग्राउंड स्टेट, पहला ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट कहलाती है। शरीफ सा बच्चा बनाकर बिठा रखा था और पहले ऑर्बिट में घूम रहा था, ग्राउंड स्टेट में घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में घूम रहा था। एनर्जी मिल गई है, पैसा मिल गया है, मार्केट चला गया है, दूसरे ऑर्बिट में चला गया, और वहां एनर्जी हो गई है -3.4। ये मत कहना सर कि एनर्जी घटा क्यों रहे हो, ऊपर वाले ऑर्बिट में तो एनर्जी बढ़नी थी। भाई एनर्जी कैसी है, माइनस की, बढ़ गई है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले स्टेट, पहले ऑर्बिट में है, ग्राउंड स्टेट में है, दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी -3.4 है, यानी बढ़ गई है, माइनस में कम हो रही है ना, तो बढ़ रही है एनर्जी। और ये पहला ऑर्बिट, ये सॉरी दूसरा ऑर्बिट जो है ये क्या कहलाता है, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। तो n की वैल्यू 1 थी, पहले ऑर्बिट की एनर्जी थी, ग्राउंड स्टेट है, n की वैल्यू 2 हो गई दूसरे ऑर्बिट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। तीसरा ऑर्बिट जो होता है उसमें एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। भाई ग्राउंड स्टेट में तो वो रहता ही है अक्सर, एनर्जी मिलकर एक्साइट हो जाएगा तो दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, पहली बार एक्साइट हुआ है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी सेकंड ऑर्बिट, फिर और एनर्जी मिल जाए तीसरे ऑर्बिट में चला जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। पहला ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट, दूसरा ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तीसरा ऑर्बिट है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और भाई ये सिलसिला चलता जाएगा इस तरह से। हम बात करना चाहते हैं 6 ऑर्बिट तक, चौथे ऑर्बिट में एनर्जी -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है, लिख लीजिएगा ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। पांचवें ऑर्बिट में एनर्जी -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है, चौथी एक्साइटेड स्टेट है ये, और n इज इक्वल टू छठे ऑर्बिट में एनर्जी -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है, ये पांचवी एक्साइटेड स्टेट है। ऐसे करते करते कहीं इन्फिनिटी पर पहुंच जाओगे, जब इन्फिनिटी पर एनर्जी जीरो हो जाएगी, इन्फिनिटी पर एनर्जी जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, यानी हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, निकालने के लिए, हाइड्रोजन को एक आयन बनाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दो, क्योंकि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ वो पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, उसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस की एनर्जी दे दो, उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब वो एक्साइट होकर बहुत दूर चला जाएगा। तो ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट और रेडियस का कॉन्सेप्ट आपने जाना है गाइस, मैं क्वेश्चंस के साथ, स्पेक्ट्रम के साथ अगले लेक्चर में फिर आऊंगा आपके सामने। पूरी पूरी उम्मीद है कि रेडियस का डेरिवेशन, एनर्जी का डेरिवेशन पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा, कितने बेहतरीन क्वेश्चन है और कितने आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ऐसा अगले लेक्चर में जानेंगे। थैंक्स गाइस।